राज्यसभा सत्र में यह बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश के जंगलों में सर्वाधिक अतिक्रमण किया गया है। यह जानकारी स्वयं वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री द्वारा दी गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के सदस्यों ने मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह एवं प्रमुख सचिव वन विभाग को पत्र लिखकर जंगलों के किए गए अतिक्रमण को हटाने हेतु तत्काल ठोस कदम उठाने की मांग की है। बात यह है कि देश की लाखों हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है। फलस्वरूप बड़ी संख्या में वृक्षों की अवैध कटाई भी की जा रही है। यही उद्देश्य होता जा रहा है जहां पर, परंतु केंद्र सहित राज्य सरकार इस ओर रोक लगाने में असफल सिद्ध हुई है। उपभोक्ता मंच के प्रांतीय संयोजक मनीष शर्मा ने बताया है कि पूरे देश में मध्य प्रदेश जंगलों में अतिक्रमण के मामले में अव्वल है। मध्य प्रदेश में जहाँ पर वन भूमि पर कब्जा कर लिया गया है, वहीं मध्य प्रदेश के पश्चात असम राज्य दूसरे स्थान पर है, वहीं कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। संपूर्ण देश की बात की जाए तो लगभग 20 से 22 लाख हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया है और साथ ही में इसके प्रतिशत के हिसाब से मध्य प्रदेश में इसका 20% हिस्सेदारी है। प्रांतीय संयोजक मनीष शर्मा ने बताया है कि उनके द्वारा 2016 में मध्य प्रदेश के जंगलों में अतिक्रमण को हटाने हेतु एक जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दायर की गई थी, जिस पर वन विभाग मध्य प्रदेश शासन को विस्तृत दिशा निर्देश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अतिक्रमण हटाने हेतु दिए गए थे, परंतु 3 वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने के पश्चात भी निर्देशों का पालन प्रदेश सरकार द्वारा नहीं किया गया है, जिसका परिणाम है कि मध्य प्रदेश वन भूमि पर अतिक्रमण के मामलों में पूरे देश में नंबर वन पर पहुंच गया है। उपभोक्ता मंच के सदस्यों ने भेजे गए पत्र में यह स्पष्ट किया है कि उच्च न्यायालय में निर्देशों का पालन कर जंगलों में हो रहे अतिक्रमण को रोकने एवं हटाने हेतु शीघ्र अतिशीघ्र उचित कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई है और मंच के द्वारा सरकार के विरुद्ध अवमानना याचिका दायर की जाएगी। मध्य प्रदेश पूरे देश में जंगलों में अतिक्रमण के मामले में नंबर वन पर है। यह चौंकाने वाला खुलासा राज्यसभा सत्र के दौरान स्वयं वन मंत्री द्वारा दी गई रिपोर्ट से हुआ है। हम आपको बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के 5,41,000 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। सीधी सी बात है, इस अवैध कब्जे को करने के लिए हजारों करोड़ों लाखों पेड़ों को काटा गया होगा अवैध तरीके से। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पूरी तरह से असफल रही है इस अवैध कब्जे को रोकने में। हमारे द्वारा वर्ष 2016 में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में एक जनहित याचिका दायर करके अवैध अतिक्रमण को रोकने की मांग की गई थी, जिस पर वर्ष 2017 में कोर्ट ने मध्य प्रदेश के वन विभाग को विस्तृत दिशा निर्देश जारी करते हुए यह कहा था कि आप इन अतिक्रमण को हटाइए और आगे आने वाले अतिक्रमण को रोकिए, परंतु 3 वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने के बाद आज तक मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसका यह परिणाम था कि आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश नंबर वन हो गया वन में अतिक्रमण के मामले में। हमने यह तय किया है कि हमारे भेजे हुए नोटिस पर यदि राज्य सरकार द्वारा तुरंत कदम नहीं उठाया जाता और वनों के अतिक्रमण को हटाया नहीं जाता और आगे आने वाले अतिक्रमण को रोका नहीं जाता, तो हम मध्य प्रदेश सरकार के विरुद्ध एक अवमानना याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दायर करेंगे। वॉइस ऑफ प्राइड्स के लिए जलपुर से आशीष पात्री की रिपोर्ट।